लोगों के बारे में अच्छा सोचें। जैसा मेरे एक दोस्त का कहना है, चाहे मैं उसके लिए महत्वपूर्ण न हो परंतु वह मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसी कारण मुझे उसे करीब से जानना चाहिए। आपने कभी सोचा है कि लोग लिफ्ट का इंतज़ार करते समय पुतलों की तरह क्यों खड़े होते हैं? जब तक कि वे अपने किसी परिचित के साथ ना हो तब तक ज़्यादातर लोग अपने आसपास खड़े लोगों से बात ही नहीं करते। एक दिन मैंने इस बारे में छोटा सा प्रयोग करने का फैसला किया। मैंने अपने पास खड़े व्यक्ति से बातचीत शुरू करने का फैसला किया। मैंने 25 बार लगातार ऐसा किया और 25 बार ही मुझे इसके जवाब में सकारात्मक दोस्ताना जवाब मिला। हालांकि अजनबियों के साथ बात करने को अच्छे मैनर्स में शामिल नहीं किया जाता, परंतु ज़्यादातर लोग फिर भी इस बात को पसंद करते हैं और यह रहा इसका लाभ। जब आप किसी अजनबी के बारे में कोई सकारात्मक बात कहते हैं तो उसका मूड अच्छा हो जाता है, आपको भी अच्छा लगता है और आपको शांति और खुशी भी मिलती है। हर बार जब भी आप किसी व्यक्ति की तारीफ करते हैं तो आप दरअसल अपने आप को लाभ पहुंचा रहे हैं। यह अपनी कार को जाड़े के दिनों में गर्म करने की तरह है। यहाँ जरा सी पहल से दोस्त बनाने के 6 तरीके दिए जा रहे हैं। नंबर 1, हर मौके पर दूसरों को अपना परिचय दें, पार्टी में, बैठकों में, हवाई जहाज में, ऑफिस में, हर जगह। नंबर 2, यह सुनिश्चित कर लें कि सामने वाला आपका नाम ठीक से जान लें। नंबर 3, यह सुनिश्चित कर लें कि आप सामने वाले के नाम का उच्चारण ठीक से कर सकें। नंबर 4, सामने वाले का नाम लिख लें और यह सुनिश्चित कर लें कि आपने उसकी स्पेलिंग सही लिखी हो। अगर आप किसी के नाम की गलत स्पेलिंग लिखेंगे तो हो सकता है कि वह दोस्त के बजाय आपका दुश्मन बन जाए। अगर संभव हो तो उसका पता और फ़ोन नंबर भी लिख लें। नंबर 5, आप जिन नए दोस्तों से मिलें इनमें से आप जिससे परिचय बढ़ाना चाहते हैं उन्हें चिट्ठी लिखें या फ़ोन करें। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर सफल लोग नए दोस्त बनाने के बाद उन्हें चिट्ठी लिखते हैं या फिर फ़ोन करके उनसे बात करते हैं। नंबर 6 और सबसे आखिरी बात, अजनबियों से अच्छी बातें करें, इससे आपको भी अच्छा लगेगा और आपका दिन भी अच्छा जाएगा। इन 6 नियमों पर अमल करना ही लोगों के बारे में अच्छा सोचने का सही तरीका है। एक बात तो तय है, आम आदमी इस तरह से नहीं सोचता। आम आदमी कभी परिचय देने में पहल नहीं करता, वह इस बात का इंतज़ार करता है कि सामने वाला पहल करे, सफल लोगों की तरह बने। लोगों से मिलने की कोशिश करें, दबू या संकोची ना बने, जरा हटकर काम करने से ना घबराएं। यह पता करें कि सामने वाला व्यक्ति कौन है और इसे बताएं कि आप कौन हैं। कुछ समय पहले मुझे और मेरे सहयोगी को किसी बिजनेस में सेल्स जॉब के आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग का काम सौंपा गया। हमने पाया कि एक आवेदक जिसे हम टेड का नाम देंगे बहुत योग्य था। वह बुद्धिमान, आकर्षक और महत्वाकांक्षी था, परंतु इसके बावजूद हमने यह पाया कि हम उसे नहीं चुन सकते, कम से कम फिलहाल तो नहीं। टेड में सबसे बड़ी गड़बड़ यह थी, वह दूसरे लोगों से पूर्णता की उम्मीद करता था। टेड छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता था, जैसे व्याकरण की गलती से, सिगरेट का गुल खिलाने वाले लोगों से या मैचिंग के कपड़े न पहनने वालों से इत्यादि। जब हमने टेड को अपनी इस आदत के बारे में बताया तो उसे आश्चर्य हुआ, परंतु वह यह काम करने को इच्छुक था। इसलिए उससे हमने पूछा कि वह अपनी इस कमजोरी की किस तरह दूर कर सकता है। हमने उसे 3 सुझाव दिए। नंबर 1, यह जान लें कि कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। कई लोग बाकी लोगों से ज़्यादा पूर्ण होते हैं, परंतु कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं कहा जा सकता। हर एक में कुछ ना कुछ कमी तो होती ही है। इंसान को इंसान बनाने वाली चीज़ यही है कि वे गलतियां करते हैं, हर तरह की गलतियां। नंबर 2, यह जान लें कि दूसरे व्यक्ति को अलग होने का अधिकार है। किसी भी चीज़ के बारे में सर्वज्ञानी होने का दावा ना करें। लोगों को सिर्फ इसीलिए नापसंद ना करें क्योंकि उनकी आदतें आपसे अलग हैं या उनके कपड़े, उनका धर्म, उनकी पार्टियाँ, उनकी कार आपसे भिन्न है। यह ज़रूरी नहीं है कि आप सामने वाले व्यक्ति के काम की तारीफ करें, परंतु यह भी ज़रूरी नहीं है कि आप उसके काम को नापसंद करें। नंबर 3, सुधारक बनने से बचें। अपनी फिलॉसफी में जियो और जीने दो के सिद्धांत का पालन करें। ज़्यादातर लोगों को यह पसंद नहीं होता कि कोई उनकी गलतियां बताए। किसी के बारे में आपके विचार होना गलत नहीं है, परंतु कई बार उन विचारों को ना कहने में ज़्यादा समझदारी होती है। टेड ने इन सुझावों पर काफ़ी मेहनत से अमल किया। कई महीनों बाद वह पूरी तरह बदल गया। अब वह लोगों के प्रति ज़्यादा उदार हो चला है।
वह जान गया कि लोग न तो पूरी तरह अच्छे होते हैं और न ही पूरी तरह बुरे होते हैं। वह कहता है, पहले मैं जिस बात से चिढ़ जाता था, अब उसी बात में मुझे मज़ा आने लगा है। अब जाकर मुझे यह समझ आया है कि अगर सभी लोग एक जैसे होते तो सभी पूर्ण होते, तो यह दुनिया कितनी नीरस हो जाती। इस आसान परंतु महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। पूर्ण व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं होता, हम सभी आधे अधूरे होते हैं। अब अगर हम अपने चिंतन को नियंत्रित ना करें तो हमें हर व्यक्ति में बुराई दिख सकती है, परंतु अगर हम अपने चिंतन को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम हर व्यक्ति में अच्छाई भी खोज सकते हैं। इसे इस तरह से देखें, आपका दिमाग एक मानसिक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है। इस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में बराबर ताकत वाले दो चैनल हैं जिनके माध्यम से यह आप तक संदेश पहुंचाता है। चैनल पी यानी सकारात्मक चैनल और चैनल एन यानी नकारात्मक चैनल। आइए अब देखें कि आपकी ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम किस तरह काम करता है। मान लें कि आपके बॉस, हम उनका नाम मिस्टर जैकब्स रख लेते हैं, ने आपको अपने केबिन में बुलवाया और आपके काम का मूल्यांकन किया। उन्होंने आपके कई कामों की तारीफ़ की और साथ ही आपको कुछ सुझाव भी दिए कि आप अपने काम को किस तरह बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आज की रात यह स्वाभाविक है कि आप उस बारे में सोचें। अगर आप चैनल एन को चालू करते हैं तो वहाँ पर उद्घोषक कुछ इस तरह की बातें करेगा, सावधान जैकब्स तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, उसे दूसरों को परेशान करने में मजा आता है, तुम्हें उसकी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है, भाड़ में जाए उसकी सलाह याद करो, जो मिस्टर जैकब के बारे में क्या बताया गया था वह ठीक कहता था, जैकब तुम्हें भी उसी तरह जलील करना चाहता है जिस तरह उसने जो को जलील किया था, उसका विरोध करो, अगली बार जब तुम्हें बुलाए तो तुम उसकी बात चुपचाप मत सुनो बल्कि उससे बहस करो, या इससे भी बेहतर तो यह होगा कि तुम इंतज़ार मत करो, कल खुद ही जाकर उससे मिलो और पूछो कि तुम्हारी आलोचना उसने क्यों की। परंतु अगर आप चैनल पी को सुनते हैं तो वहाँ उद्घोषक कुछ इस तरह की बात करता है, मिस्टर जैकब्स पहले आदमी हैं, उन्होंने मुझे जो सुझाव दिए हैं वे सचमुच बहुत अच्छे हैं, अगर मैं उन सुझावों पर अमल करूं तो शायद मेरा काम सुधर जाए और बाद में मेरा प्रमोशन भी हो जाए। मिस्टर जैकब्स ने तो मेरी गलतियाँ बताकर मुझ पर एहसान किया है, कल ही मैं जाऊँगा और उनकी रचनात्मक मदद के लिए उन्हें धन्यवाद दूंगा। बिल ठीक कहता है, जैकब्स के साथ काम करना बहुत अच्छा है। इस मामले में अगर आप चैनल एन की बात सुनेंगे तो हो सकता है कि आपके संबंध आपके बॉस से ख़राब हो जाए और आप कोई गलती या खतरनाक हरकत कर बैठें। परंतु अगर आप चैनल पी की बात मानेंगे तो आपके बॉस के सुझाव से आपको लाभ मिलना तय है और इसके अलावा आप उनके करीब भी पहुँच जाएंगे, वे आपसे मिलना पसंद करेंगे। जाएँ कोशिश करके देखें। यह ध्यान रखें कि आप जितनी ज़्यादा देर तक चैनल पी या चैनल एन की बातें सुनते हैं, आप उस तरह की बातों में सचमुच दिलचस्पी लेने लगते हैं और चैनल बदलना आपके लिए उतना ही मुश्किल होता जाता है। यह सच है, क्योंकि एक विचार, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, अपने जैसे कई विचारों का चेन रिएक्शन पैदा करता है। उदाहरण के तौर पर, आप किसी व्यक्ति के उच्चारण के बारे में नकारात्मक सोचने से शुरू कर सकते हैं और जल्दी ही आप यह सोचने लगेंगे कि उसके राजनीतिक या धार्मिक विश्वास कितने गलत हैं, वह कितने गलत ढंग से कार चलाता है, उसकी आदत कितनी बुरी है और उसके अपनी पत्नी के साथ संबंध भी खराब है, यहाँ तक कि वह अपने बाल भी ठीक से नहीं काटता। और अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो निश्चित रूप से आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। आप ही दोनों चैनल के मालिक हैं, इसलिए अपने विचारों के ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पर काबू रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। जब आप लोगों के बारे में सोचें तो चैनल पी को सुनने की आदत डाल लें। अगर चैनल एन बीच में आ जाए तो उसे बंद कर दें, फिर चैनल बदल लें। चैनल बदलने के लिए आपको उस व्यक्ति के बारे में कोई अच्छी बात सोचना भर है। सच्ची चेन रिएक्शन शैली में एक विचार के बाद ठीक उसी तरह के दूसरे विचार ले आएगी और उसी तरह एक के बाद एक विचार आते चले जाएंगे और आप खुश होंगे। जब आप अकेले होते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ आप ही यह फैसला कर सकते हैं कि आप चैनल पी सुनेंगे या चैनल एन, परंतु जब आप किसी और के साथ बात करते हैं तो आपके सोचने के तरीके पर उस व्यक्ति का भी कुछ नियंत्रण होता है। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि लोगों के बारे में सोचने का सही नज़रिया क्या होता है, इसलिए आप यह पाएंगे कि कोई व्यक्ति आपकी तरफ दौड़ा चलाएगा और किसी परिचित के बारे में कोई बुरी बात बताने के लिए व्याकुल होगा। आपका सहकर्मी दूसरे कर्मचारी की आपत्तिजनक बातें बता सकता है, आपका पड़ोसी दूसरे पड़ोसियों की घरेलू समस्याएं बता सकता है, ग्राहक अपने इस प्रतियोगी की बुराई बता सकता है जिससे आप मिलने जा रहे हैं।
विचार अपने ही तरह के विचारों को जन्म देते हैं। असली खतरा यह है कि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में नकारात्मक विचार सुनते हैं तो आपके मन में भी उसी तरह के विचार आएंगे और आप भी नकारात्मक बातें कर सकते हैं। वास्तव में अगर आप सावधान न हों तो हो सकता है कि आप आग में घी डाल दें और यह कहें हाँ और यह नहीं, क्या तुम्हें पता है। इस तरह की बातें पलट कर वापस आती हैं बूम रैंक की तरह। दो तरीके हैं जिनसे हम दूसरे लोगों को हमारे चैनल पी को चैनल एन में बदलने से रोक सकते हैं। इस वीडियो के बाद अगला पार्ट अगले वीडियो में। अगला वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 9C में।